सो so, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है तो सबसे पहले क्या है हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी होती क्या है तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एन एनिमल ठीक है जो इंटरनल uh, स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो उसको हम क्या बोलेंगे एनाटमी ठीक है वो जो किसके साथ डील करती है सेल के साथ डील करती है टिश्यू के साथ डील करती है और ऑर्गन्स एंड देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है द टिशू ठीक है टिशू क्या है ग्रुप ऑफ सेल ठीक है जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ सेल की बात की जाएगी वो क्या है टिश्यू विच हैव कॉमन ओरिजन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू ठीक है जो कॉमन ओरिजन uh, रखते हैं और कॉमन फंक्शन है उनका उसको हम क्या बोलेंगे टिश्यू अब टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म न्यू सेल्स ठीक है टिश्यू को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि जो कैपेसिटी रखते हैं uh, डिवाइड करके न्यू सेल बनाने की ठीक है तो वो कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हुए हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स ठीक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो एबिलिटी रखते हैं डिवाइड करने की और एक नया सेल बनाने की ठीक है और परमानेंट टिशू uh, कौन से हुए हैव लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ठीक है तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर देख लेते हैं तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू तो स्पेशलाइज्ड एक्टिव सेल डिविज़न इज कॉल्ड मेरिस्टेम ठीक है मेरिस्टेम जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइड करना ठीक है स्टेम का मतलब क्या होता है डिवाइड करना अब एच पी में एक क्वेश्चन आया था कि हम वायरस फ्री कल प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं ठीक है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे कि सेल कल्चर हो गया या मेरिस्टेमेटिक कल्चर हो गया है ना तो उसमें आपने क्या बोलना है कि मेरिस मेरिस्ट, मेरिस्टेम कल्चर जो है वो बेस्ट कल्चर है फॉर वायरस फ्री प्लांट ये क्वेश्चन पूछा गया है एच पी में नेक्स्ट uh, आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देर पोजिशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इन फर्दर पार्ट्स ठीक है तो सबसे पहले क्या आ गया एपिकल मेरिस्टेम अक्कर टिप ऑफ़ शूट एंड रूट्स ठीक है जो भी शूट्स होंगी रूट्स होंगी उनकी जो टिप है वहाँ पे क्या है एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है ठीक है द मेरिस्टेम बिच अकर एट द टिप ऑफ रूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एज रूट एपिकल टिश्यू और द मेरिस्टेम स्टेम अकर एट द टिप ऑफ शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू इज नॉन्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टेम ठीक है इतना ही पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि आ, जो टिप ऑफ रूट और शूट हैं उन पे कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है तो क्वेश्चन क्या है आंसर क्या आएगा इसका एपिकल मेरिस्टेम, ये भी एचपी टैट में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट आ गया इंटर कैलरी ठीक है द मेरिस्टेम स्टेम बिच अकर बिटवीन मेच्योर टीश्यू इज नोन एज इंटर कैलरी मेरी स्टैम की जो मेच्योर टिश्यू में प्रेजेंट होगी मेरी उसको हम क्या बोलेंगे इंटर कैलरी मेरी स्टैम इंटर कैलरी अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाई ग्राजिंग हरवी आपने देखा होगा कि जैसे कौ या वो फैलो घास खाती हैं ठीक है तो जो घास जो है एक बार खाली होती है उसके बाद क्या है उसके ऊपर नई घास उग जाती है तो वहाँ पे कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट है इंटर कैलरी और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया होगा कि बिच मेरिस्टेम स्टेम अक्कर ग्रा, इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रासिंग हरबीवोर तो उसका आंसर क्या आएगा इंटर कैलरी ठीक है अब नेक्स्ट आ गया लेटरल मेरी स्टेम तो ये क्या है द मेरी स्टेम दैट अक्र इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ मैनी पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेज एंड अपेयर लेटर देन प्राइमरी मेरी स्टैम इज कॉल्ड लिट्रल मेरी स्टैम ठीक है ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं बूडी पार्ट में ठीक है बूडी एक्सिस में अपेयर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं लिट्रल मेरी स्टैम ठीक है इसको और क्या बोल देते हैं दूसरा नाम सिलेंड्रिकल मेरे इस टाइम भी बोल देते हैं इसका एग्जाम्पल आ गया फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम इन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ठीक है और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है तो किसके द्वारा कॉर्क कैम्बियम की वजह से ठीक है तो अभी ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट सा ही है कि एपिकल मेरे और इंटर कैलरी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी मेरे आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी मेरे कौन सी और सेकेंडरी मेरे कौन सी है तो एपिकल और इंटर कैलरी मेरे कौन सी है प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे अपेयर अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी ठीक है तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम और लिटरल मेरिस्टेम कौन सी हुई सेकेंडरी मेरिस्टेम जो क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आती है अब ये थोड़ा सा डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है कि जो रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम और इसका फंक्शन क्या है एपिकल मेरिस्टेम का टू तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस ठीक है प्रेजेंट एट टिप ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट और शूट एपेक्स पे कौन सी मेरेजैम प्रेजेंट होती है तो कौन सी एपिकल मेरेजैम और इंटर कैलरी कहाँ होती है इंटरनोड्स ठीक Node, है नोड जो नोड्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो फंक्शन क्या है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट और इट्स ऑर्गन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव इंटरनोड्स और लीव्स ठीक है और सेक, आ, लास्ट आ गया कि लिटरल मेरी स्टेम कौन सी हुई इन आ, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं बूडी एक्सेस पे ये कहाँ पे मिलेंगे आपको बूडी एक्सेस पे इसका काम क्या होता है इंक्रीज थिकनेस दैट इज़ ग्रिथ ऑफ प्लांट एंड डायमीटर ठीक है और फंक्शन क्या हुआ प्रेजेंट ऑन ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स और फंक्शन क्या लिखती है इसका ये है इसका फंक्शन टू इंक्रीज़ द थिकनेस दैट इज़ ग्रिथ ऑफ द प्लांट और डायामीटर